नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सब जानते हैं, योगा स्टेशन पर आपको हर एक प्राणायाम की अलग अलग वीडियो मिलेगी। मकसद ये था कि आपको मैं पहले स्तर से प्राणायाम को अच्छे से सिखा पाऊँ। बहुत से लोगों ने उसमें फिर कमेंट किया कि हमें साथ में आपके प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ जिसको आपको बस प्ले करना है और सिर्फ आपके पास 15 मिनट होने चाहिए सुबह या शाम खाली पेट, जब आप साथ में मेरे प्राणायाम अभ्यास कर सकें। आज हम करेंगे चार प्राणायाम। ये चारों प्राणायाम के बारे में डिटेल में भी वीडियोस हैं जिसमें आप इनके फ़ायदे, इनकी टेक्निक्स, इनको कब नहीं करना है वो आप सीख सकते हैं। उनके बारे में मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूँगी, पूरा ध्यान अभ्यास पे रहेगा। लेकिन हर प्राणायाम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँगी कि कैसे उसको करना है। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका, दूसरा हम करेंगे कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम और चौथा भ्रामरी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप प्राणायाम करें तो आपको हमेशा फास्ट प्राणायाम से शुरू करना पड़ता है और उसको अंत में एक जो शांति वाला और जो रिलैक्स करने वाला प्राणायाम होता है उससे आपको अपना सेशन ख़त्म करना होता है। दूसरी चीज़, जब भी आप योगासन करें उसके बाद ही प्राणायाम करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राणायाम करने के लिए आपका जो सिटिंग पोस्चर होना चाहिए, जिसके बारे में बहुत से कंफ्यूजन होते हैं, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ लेट के और खड़े होके नहीं करना है। बाकी आप सोफे पर, बिस्तर पर, ज़मीन पर बैठ करके आराम से इसे कर सकते हैं। जिन लोगों को पालती मार के बैठने में दिक्कत होती है, सुखासन में दिक्कत होती है, वो चेयर पर बैठ सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो ये कि आपकी गर्दन, आपके कंधे और आपकी जो पीठ है वो सीधी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में आपके जो लंग्स होते हैं उनको स्पेस चाहिए होता है, उसके लिए आपका जो पोस्चर है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। भस्त्रिका एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें सांस अंदर और बाहर दोनों फोर्स और झटके के साथ की जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़ोर से करना है या बहुत जल्दी जल्दी करना है। प्राणायाम को करने की सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है उसको फील करना और उसको महसूस करना। तो भस्त्रिका में भी तीन लेवल होते हैं, हम लोग मीडियम से शुरू करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राणायाम शायद पहली बार कर रहे हों, तो हम जल्दी नहीं करके आराम से करेंगे। कितना करेंगे हम लोग? 20 स्ट्रोक्स करेंगे, साथ में ब्रेक लेंगे, फिर 20 करेंगे, ऐसा करके हम लोग 4 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए अपनी पोजीशन में और अब हम भस्त्रिका से शुरू करते हैं। एक बार आंख बंद करके लंबी गहरी सांस ले लें, हाथ जोड़ें, हल्के से अपनी आंखें खोल लें और अब शुरू करेंगे। इसमें हाथों को सांस लेते हुए ऊपर लेके जाते हैं, हाथ खुल जाते हैं, और सांस को छोड़ते हुए नीचे लेके आते हैं। अब ये जो हाथों वाला मूवमेंट है, इससे भस्त्रिका को करना बड़ा आसान हो जाता है, आपका पोस्चर भी ख़राब नहीं होता है, और जिस फोर्स और झटके की मैं बात कर रही हूँ वो और भी ज़्यादा अच्छे से निकल के आता है। तो देखिए, आप अपने चेस्ट को खुला छोड़ेंगे, अब मैं आपके साथ प्रैक्टिस करते जाऊँगी, आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये वीडियो सीखने के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू कर देते हैं। आँखें आप बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, आपकी चॉइस है। हाथ ऐसे रख लें और मैं वीडियो में काउंटर भी डालते जाऊंगी ताकि आप काउंट मिस ना करें। चलिए, दस होने के बाद आप चाहें तो एक मिनी ब्रेक ले लें, आंखें बंद करें, खुद को रिलैक्स करें और फिर 10 शुरू करें। कई बार आपको अगर थोड़ा अंधेरा लगता है या फिर थोड़ी घबराहट होती है तो आप ब्रेक ले लें, क्योंकि भस्त्रिका थोड़ा फास्ट होता है और ये स्पीड में इतना करके थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। चलिए 10 और करते हैं। पहले ही राउंड में आपको काफ़ी गर्मी महसूस होने लगेगी, रिलैक्स करें खुद को। तो हमने ये 20 का एक राउंड कर लिया है, 3 और करेंगे साथ में। ठीक है, आंखें बंद कर लें। तो ये थोड़ा मैंने आपको मीडियम स्पीड करके दिखाया, ये भी अगर आपको फास्ट लग रही है तो आपको कैसे करना है,
अब हम ये थोड़ा सा स्लो में कर लेते हैं, 20 राउंड। दस हुए हैं, 10 और कर लेते हैं। एक लंबा गहरा सांस ले। तो ये हुए हमारे 2 राउंड्स 20-20 के। इसके बाद तीसरा शुरू करेंगे। आराम से ब्रेक लें, आंखें बंद करें और अब तीसरा सेट शुरू करते हैं, साथ में कीजिएगा। और बीच में आपको पानी नहीं पीना है, ये आप ध्यान रखिएगा। भस्त्रिका करते वक्त तुरंत आपको थोड़ी गर्मी महसूस होगी, स्वेटिंग हो सकती है, नॉर्मल है। चलिए आंखें बंद कीजिए, तीसरा राउंड शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 राउंड्स फिनिश करे हैं। इसके बाद हम आखिरी राउंड करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेकर के रिलैक्स हो जाएं आराम से। हमेशा फास्ट अगर प्राणायाम करना है तो आपको भस्त्रिका से ही शुरू करना है, सेकंड कपालभाति आता है। चलिए आखिरी राउंड कर लेते हैं, स्पीड ज़्यादा नहीं रखनी है, मीडियम या स्लो ही में हम करेंगे। चलिए हाथ सामने रखिए, दस हुए हैं, 10 और कर लेते हैं। पहला राउंड 40 के स्ट्रोक से शुरू करते हैं, आंखें बंद या खुली जैसी रखनी हो वैसे रख सकते हैं। इसको आप वज्रासन में भी करेंगे तो अच्छा है, मैं सुखासन में बैठी हुई हूँ। दोनों हाथों को इस तरीके से चिन्ह मुद्रा में सामने रख लें, सीधे हाथ को चाहें तो आप बेली पे भी रख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से मूवमेंट पता चल पाए। आँखें बंद करें, जो आपकी स्पीड कम्फर्टेबल हो वो करें, मैं मीडियम और स्लो में ही करूँगी, ठीक है। आँखें बंद कर लीजिए, शुरू करिए मेरे साथ। ये मैंने स्लो स्पीड में 40 किए हैं,
दूसरा राउंड शुरू करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। दूसरा राउंड में आपको वज्रासन में करके दिखा देती हूँ। आंखें खोल लीजिए। तीसरा और आखिरी राउंड शुरू करते हैं 40 स्ट्रोक्स का। आंखें बंद कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। थंब से सबसे पहले अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दें। पहली साइकिल से शुरू करते हैं। लेफ्ट से हल्के हल्के सांस को अंदर लें, अच्छे से और गहरी सांस लेनी है आपको। लेते रहें लेफ्ट से, और जब खूब अच्छे से ले लें तो लेफ्ट को कर दें बंद, और राइट से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। और जब राइट की सांस पूरी अच्छे से बाहर निकल जाए तब अंदर सांस लेनी है। और अब राइट को बंद कर देंगे, लेफ्ट से सांस बाहर, लेफ्ट से शुरू लेफ्ट पे खत्म। साइकिल नंबर 2, इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट नोस्ट्रिल। जितना हो सके उतना डीप सांस लें, बहुत गहरा सांस होगा उतना ही अच्छा लगेगा। राइट से फिर बाहर, फिर सूर्य नाड़ी से ही अंदर ले लेंगे सांस को। गहरा सांस अंदर तक, राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और लेफ्ट से बाहर। तीसरी साइकिल शुरू करते हैं। लेफ्ट से फिर अंदर सांस, अच्छे से अपने फेफड़ों को भरें और फिर लेफ्ट को बंद कर दें। राइट से धीरे धीरे सांस निकालें। जो भी इंस्ट्रक्शन मैं दे रही हूँ उसको फॉलो करते रहें। पूरा सांस बाहर और फिर राइट से दोबारा अंदर ले लें। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से फिर बाहर। आईब्रोज एकदम रिलैक्स रहेंगी, सांस निकालते जाएं, चेहरे पर कोई शिकन ना हो। चौथी साइकिल से शुरू करते हैं। लेफ्ट से फिर अंदर ले लें गहरी सांस। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से धीरे धीरे बाहर। पूरी सांस निकलने के बाद फिर से राइट से दोबारा अंदर। ओ
और लेफ्ट से बाहर। पांचवी साइकिल शुरू करते हैं, लेफ्ट से फिर अंदर, एकदम गहरी सांस और फिर राइट से बाहर। फिर राइट से अंदर ले लें, और लेफ्ट से धीरे धीरे पूरी सांस बाहर, हाथ नीचे आ जाएगा। तो ये हो गई पांच साइकिल। तो चलिए पहले राउंड से शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने अंगूठों से कानों को बंद करना है इस तरीके से। दो उंगलियां रख दें आप अपनी आंखों के ऊपर, बहुत टाइटली नहीं, हल्के से रखनी है, ये देखिए, और ये आपके नाक के बीच में, ये लिप के ऊपर और ये लिप के नीचे। और ऐसा करने के बाद फिर आप अपनी दोनों जो कोनियाँ हैं उनको अच्छे से पूरा पहले सीधा कर लें। इसमें खेचरी मुद्रा लगती है, उसके बारे में अगर जानना है तो पूरा वीडियो देखें, नहीं तो बिना मुद्रा के भी आप कर सकते हैं। कोनियाँ एकदम सीधी कर दें, चेस्ट सीधा रहेगा, खुला हुआ रहेगा। अब अच्छे से पहले सांस अंदर भरेंगे, खूब अच्छे से सांस भरें जब तक पूरा आपके लंग्स फिलअप ना हो जाएं, और अब बाहर छोड़ें। एक राउंड हो गया, दूसरा शुरू करते हैं। सांस फिर से अंदर लें, पूरा अच्छे से सांस अंदर, और अब छोड़ें बाहर। दूसरा राउंड कंप्लीट, तीसरा कर लेते हैं। सांस फिर से अंदर, अच्छे से डीप इनहेलेशन, हल्के से हाथों को नीचे ले आए और फिर अपनी आंखें खोल दें। आशा करती हूँ कि आज आप मेरे साथ ये प्राणायाम करके रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, अच्छा महसूस कर रहे होंगे। अगर इस तरीके की गाइडेड वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मैं और भी चीज़ें कवर करना ज़रूर चाहूँगी। तो आप मुझे लाइक करके, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। फिर किसी और टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए।